ये है फिल्म परमाणु का बॉक्स ऑफिस पर जलवा। गजब ढा रहे हैं आईएएस के रोल में जॉन इब्राहिम। जानिए क्या है फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण की 7 डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में आपका बेहद स्वागत है। ऐसी ताजी तरीन और नई खबरें हमारे जरिए अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इनकी नोटिफिकेशंस के लिए साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, ताकि दुनिया में जो चल रहा है आपको सब पता हो। जॉन इब्राहिम स्टारर मूवी परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। ये फिल्म अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो गई है। इसके शानदार रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का सीधा असर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर साफ देखा जा सकता है। जहां इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीकेंड में बेहद कमाल का कलेक्शन किया है, वहीं वीकडेज में भी ये फिल्म अपना असर छोड़े बिना नहीं मान रही है। ये कहानी 1998 में हुए परमाणु परीक्षण पर आधारित है, जिसमें जॉन इब्राहिम के अलावा डायना भी अहम किरदार में है और इन्हीं के साथ तड़का लगा रही हैं बोमन ईरानी। हमारे पास इस फिल्म के 7 डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ गई है, जिससे साफ जाहिर है कि ये फिल्म वीकेंड्स के अलावा वीकडेज में भी अच्छा कलेक्शन कर रही है। इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 32,75,00,000 रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है और अभी तो सेकेंड वीकेंड बाकी है। तो चलिए इसी के साथ दीजिए बॉलीवुड खबरों से इजाजत, फिर हाजिर होंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।